प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जनपद जालौन की विलुप्त होती नून नदी का जिक्र किया तो जनपद जालौन वासियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। आपको बताते चलें कि जनपद जालौन में बहने वाली नून नदी जो कि बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन व जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से पुनः जीवित करने का भागीरथी प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जनपद जालौन में बहने वाली नून नदी जनपद जालौन के किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। करीब 87 किलोमीटर तक बहने वाली नून नदी से जनपद जालौन के 4 ब्लॉकों के लगभग 47 ग्राम पंचायतों को किसानों का इसका लाभ मिल सकेगा और इनके खेतों में पानी इस नदी से पहुँचाया जा सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन ने बताया है कि इस 87 किलोमीटर लंबी नून नदी पर 57 किलोमीटर तक काम मनरेगा तथा जन सहयोग से कराया गया है और शेष कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा कराया जाएगा। इस नदी के पुनर्जीवित होने से ज़्यादातर किसानों की सिंचाई की समस्या हल हो जाएगी। मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे जनपद की बहुत ये ऐतिहासिक पुरानी नदी है जिसमें बहुत स्वच्छ पानी रहता था और बीच में इस नदी में नदी सूख गई थी। आज पुनः इसका जो मतलब है कि पुनः कार्य कराया जा रहा है, जिससे हमारे गांव वालों में बहुत खुशी है और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि लोग सिंचाई करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में आज मन की बात में हमारी नून नदी का नाम लेकर और निश्चित रूप से उनका ये नाम लेकर और इतना बुंदेलखंड की इस धारा को कम से कम 2000 लगभग सन 2000 में यहाँ सुता के जल स्रोत थे और ये हम लोग ग्रामीण भी जानते हैं कि सन 2000 तक यहाँ जो नदी के आसपास जितने भी पड़ोसी गांव और सब जगह सुता ही नल चलते थे। अपने आप से ही बरसात होते ही नलों को कभी अपने हाथ से नहीं चलाना होता था, सुता ही चलते थे। 2000 के बाद से फिर इसको अवरुद्ध किया गया, चेक डैम बनाए गए, उससे इसके जो सुता के जल स्रोत थे वो बंद हुए हैं। लेकिन सरकार के प्रयास से और नून नदी में जो अभी जो वर्तमान में प्रयास जारी है, इस प्रयास से हम निश्चित समझते हैं ऐसे कदम से इसका ऐतिहासिक नदी का फिर से जीर्ण उद्धार होगा। मैं मोदी जी और इसे नाम लेकर इस विचार पर काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने राज्य और केंद्र की सरकार को। हम सभी ग्रामीण की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ग्रामवासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी नून नदी का अपनी मन की बात में उल्लेख किया है, जिससे कि हम सभी लोग ग्रामीण वासी सुन रहे थे उनकी बात को, तो हम लोग बहुत ही हर्ष की बात उत्पन्न हो रही थी। सभी लोग खुश हो रहे थे कि उन्होंने नून नदी का उल्लेख किया है, जिससे कि हमारी नून नदी पुनः अब अच्छे तरीके से बहने लगी, स्वतः प्रवाह होने लगेगी। जो धारा विलुप्त हो चुकी थी तो अब नए तरीके से बहने लगी पुनः। देखिए, जनपद जालौन में परंपरागत रूप से जो हमारे जल स्रोत हैं उसमें नून नदी प्रमुख थी, परंतु समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसको देखते हुए हमने इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति बनाकर और इनके जीवनोद्धार की जो है वो प्रक्रिया शुरू कराई। इसमें जन सहभागिता से और मनरेगा की कन्वर्जेंस, इसके साथ ही सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग की कन्वर्जेंस से इस नदी का पुनरुद्धार किया गया है। यह नदी हमारी 47 ग्राम पंचायतों में 87 किलोमीटर लंबाई में बहती है, जिसमें 55 किलोमीटर कार्य हमने मनरेगा और जन सहभागिता से कराया है। कुछ कार्य सिंचाई विभाग के सहयोग से भी कराया गया है। इस पूरे समस्त कन्वर्जेंस के द्वारा इस पूरी नदी का जो है वो जीर्णोद्धार किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप जो कैच द रेन अभियान था उसके अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। और इसे माननीय प्रधानमंत्री इससे हमारे जो है लगभग 15,351 किसानों और 278 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिलेगी और यहाँ के स्थानीय लोगों को पेयजल, पशुओं के लिए जल व्यवस्था इत्यादि की भी उपलब्धता रहेगी। इस पूरे क्षेत्र के लिए यह साल भर सिंचाई की सुविधा को प्रदान करेगा और क्षेत्र के विकास में जो है वो सहयोग भी प्रदान करेगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे जनपद के प्रयासों को जो प्रशंसित किया, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हृदय से आभारी हूँ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शब्द जो है वो हमेशा से प्रेरणादायी होते हैं, हमें और भी आगे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करता हूँ। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.